अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल बिजनेस स्ट्रेटजिक साइको पार्ट टू। अब हमारा टॉपिक आज चल रहा है मीडियन के बारे में। अच्छा जी, मीडियन मोड उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाया कि आपको जो है समझ आ जाए। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पर चाह रहे हैं मीडियन, उसके बाद आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा इंडेक्स नंबर। अब देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू। क्या होता है? एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू यानी सेंटर की वैल्यू, और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, ठीक है, ऑफ एन एरे डाटा। एरे का मतलब होता है तरतीब देना, तरतीब देना, ठीक है। मीडियन इज़ द एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू और ऑब्जर्वेशन ऑफ एरे डाटा, ठीक है। ऑफ एन एरे डाटा का मतलब है कि पहले उसको तरतीब देना है, तरतीब देने के बाद फिर हमने ये मीडियन जो है फाइंड करना है। अब मीडियन के हमारे पास जो है दो फार्मूले होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटे का, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रुप डाटे का। मोड का बताया था कि उसका कोई खास फार्मूला नहीं था, एक ही होता है ग्रुप डाटे का, वो आपको बता दिया। और उसमें जो दूसरा था कि एक चीज़ जो बार बार आएगी वो आपका मोड कहलाएगा। तो सबसे पहले हम अनग्रुप डाटे का मीडियन का स्टार्ट करते हैं। दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए नंबर एक पे है ये अनग्रुप डाटे का, अगर दी गई रकमों की तादाद जो है इवन में हो। इवन आपको पता है जो टू पे डिवाइड होता है, ठीक है, अपनी जो है हो, तो उसमें ये फार्मूला लगेगा। साथ साथ आपको बता भी देंगे, ठीक है। इवन और ऑड वैल्यूज जो छोटी क्लासेस में आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे, ये देखिए मीडियन का आपका ये फार्मूला हो गया। ये बहुत ही काम करवाते हैं, लेकिन हमने इसे बताया ताकि आप इजी तरीके से कर सके। ये जी इसके बाद पूरा आपने लगाना है टू है, अगर दी गई वैल्यू रकमों की तादाद आपकी इवन में हो तो उसमें आप ये फार्मूला लगाएंगे। आपको सिंपल सा जो है वो करा के भी दे देते हैं। ये पूरा क्या होता है टी एच का मतलब है टर्म, ठीक है। टर्म का मतलब है कि कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल दे भी देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें वन टू, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके बता देते हैं, वन थ्री टू और फोर। सबसे पहले जब भी आपको ये अनग्रुप डाटे के जो क्वेश्चंस आएंगे, आपने सबसे पहले क्या देना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर तो मैंने हटा दिया है, कि आपने इस डाटे को सबसे पहले अरेंज करना है, मतलब जो रकम छोटी है वो पहले आएगी, जो बड़ी है वो बाद में आएगी, जो सेंट्रल में आती है वो बाद में। यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा इन अरेंजमेंट लिखें या अरे लिखें, एक ही मतलब है, ठीक है। अरे लिख रहे हैं या बीच में लिख रहे हैं, आपको एक ही मतलब है, ये ए डबल आर ए वाई, ठीक है। इसका मतलब होता है तरतीब से। अब अगर मैं इसको तरतीब दूँ तो मेरे पास पहले वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कितनी रकम है, एक दो तीन चार, इसका मतलब है एन की तादाद किसके बराबर है, चार के। तो ये आपका इवन नंबर है कि ये टू पे डिवाइड होता है, तो मेरे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। अब आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए ये परसेंट उड़ा, ये फार्मूला था आपका, ये जी मेरे पास एन कितना है, एन मैंने नीचे बताया आपके पास कितना है, चार। ये जी इस जगह के, इसकी जगह मैंने चार लगा दिया, वन आपका फार्मूले का है, टू वैसे ही लगेगा, इसी जगह भी चार लग जाएगा, टू आपका फार्मूले का, टू लगेगा, और ये डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा यहाँ पर भी लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, पाँच बटा दो, चार पाँच छः, ठीक है, ये दो। अब आपने इसको क्या करना है, काटना है। अब जाहिर ये तो आपका आ जाएगा इशारिया में, और ये देखिए ना फाइव को डिवाइड करेंगे टू में तो आपके पास आएगा 2.5, ठीक है। ये देखिए 2.5 है डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 2 है। अब 2.5 अगर आपको पता हो कि इशारिया से अगर पाँच या उससे बड़ी रकम आ जाए तो हम उसको क्या कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, यानी इसको 3 किया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है, 3 + 3 और 2। इसके जो इर्द कितना आपने जो है टी का निशान लगाना है, जिसका मतलब होता है टर्म, टी एच टर्म। अब आगे बताएंगे कि क्यों लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये भी टर्म आ गया आपके पास है, अब जो है 3 3 किया तो आपके पास क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2
ये देखिए कट गया, थ्री आ गया। अब मेरे पास थ्री टर्म आया। अब थ्री टर्म आपका आंसर नहीं है, हमने ये देखना है कि थ्री नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। देखिए पहले दूसरे और तीसरे, इसका मतलब है कि तीसरे टर्म पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, थ्री आ रही है। ये है थ्री आपका आंसर, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। ये भी आपको शॉर्ट में आएगा, ठीक है, उसमें नहीं आएगा आपको, लॉन्ग भी नहीं आएगा। चलिए जी, अब आपको दूसरे वाला फार्मूला बता देते हैं ताकि ईजी हो जाए। अगर दी गई रकमों की तादाद इवन में, इवन तो बता दिया, ऑड में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल है इसका भी, मीडियम एल प्लस एच ओहो एन प्लस वन, इसका ये सिंपल ही है, एन प्लस वन सिंपल सा उसमें फार्मूला आपको जो है दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपके लिए जो है आसानी होगी। हाँ जी, ये देखें। अच्छा, इससे पहले आपको जो क्वेश्चन 3.28, इसमें आपने मीडियन और मोड निकालना है। मोड का तो मैंने समझा दिया है, मीन भी समझा दिया, तो एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मेरे पास 3.29 का क्वेश्चन है, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। आप देखें ये वैल्यूज दी हुई है, आपको साथ साथ बता देते हैं। ठीक है, 18, 12, 46, 38, 45, 60 और 25। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, डाटा को पहले आपने अरेंज करना है, उसके बाद दूसरे काम होंगे। डाटा को हमने अरेंज कैसे करना है, डाटा इन अरे, क्या करेंगे, जो रकम सबसे पहले जो तरतीब से आती है ना वो आपने करनी है। वो हमने कैसे करना है वो आप साथ साथ देख लें। सबसे पहले क्या आएगा, 12, 12 के बाद 18 हैं, फिर 25 हैं, फिर 38 आएगा, उसके बाद 45 आएगा, फिर 60 आएगा, यानी 25। अरे अरेंज सिंपल तरीके से करना है, यानी जो रकम छोटी उसको पहले लिया है, जो सेंटर में आ रही है और जो दरमियान में। ठीक है, अब ये अरेंज हो गई है। अब आप गिनना ही, तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी हमारे पास क्या ऑड नंबर है, क्योंकि 2 पे डिवाइड होता नहीं, यानी आपके पास n इज इक्वल टू 7। सिंपल है, फार्मूला कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, n प्लस 1 2। इसके ऊपर आपने टर्म का निशान लगाना है। n की वैल्यू मेरे पास कौन सी आई, ये 7। इसमें मैंने मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 और 2 टर्म आप लगा लेना। इसको मैंने काटा तो मेरे पास 4 आ गया। ये 4वें टर्म पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से आपने गिनना है। ये देखें 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब है कि 4वें टर्म पे आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो कौन सी है, 38। ये जी, ये आंसर आपका आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजी है, कोई मुश्किल ही नहीं है, और ये आपको उसमें आने हैं, क्या नाम है, शॉर्ट में ही आने हैं, तो उसकी एक दो प्रैक्टिस कर लें, बस आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के हैं। ये देखिए 3.30 भी इस टाइप का है, 3.31 भी इस टाइप का है, 3.23 भी इस टाइप का है, और आगे अब आपके पास जो मीडियम का क्वेश्चन आ रहा है वो है कौन सा वाला, ग्रुप डाटा का। अब वो भी बता देते हैं आपको, ग्रुप डाटा का भी इसका सिर्फ एक ही फार्मूला, ग्रुप डाटा मीडियम का भी एक ही फार्मूला है, बहुत ही आसान। ये हर क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, आप आई कॉम के हो, बी कॉम क्या, या स्टैटिक्स कर रहे हो, तो आप उसमें इजी कर सकते हैं। ये देखिए, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। एल देखें, एल आपको वही चीज़ है, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, और एच आपका क्या है, साथ साथ बताते हैं, इंटरवल है, यानी वक्फा, ठीक है, और आपके पास जो सी आया, सी जो है आपके पास इसमें है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी जब आपको निकाल के दिखाएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगी। ठीक है, एन ओवर टू आपका बराबर होता है समेशन एफ के, तो ये इसका एक ही फार्मूला, और एग्जाम में जब भी आएगा तो एक ही फार्मूला है, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप इसका क्वेश्चन भी करवा देते हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए, और आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि हम अगले चैप्टर में चलें, क्योंकि एग्जाम्स बस आपके नज़दीक नज़दीक हैं। ठीक है, हो गया, देख लें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे तो बाकी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर 3.33, बल्कि आपको यहाँ दिखा भी देते हैं। ये देखिए 3.33 है, उसमें आपको उसने वीकली और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि सवाल आपने कैसे करना है, बहुत ही ईजी है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है।
यहाँ पर मैंने लिखा है वीकली इनकम, ठीक है। ये देखिए 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60, 65 और 65, 70। अब इसके नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ही होती है, क्योंकि तादाद है कि 13 हैं, 15 13 हैं, 17 29 11 10 और 5, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपकी इक्वल है, ये देखें 45 45 50 50 55 55, अगर ये इक्वल है तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। पिछले भी वीडियो में हमने बता दिया था क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है। जिस स्टूडेंट को समझना है तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। अब आपको फार्मूला ज़रा रिमाइंड करवा दें, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, ठीक है। अब सी क्या होता है, सी बनाना सिखाते हैं आपको। ये है जी हेडिंग है सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप एफ़ का टोटल कर लें ताकि आपको समझा दें। मेरे पास एफ़ का टोटल आ रहा है 100, ठीक है। एफ़ का टोटल क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखिए सी एफ कैसे निकालना है, सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट में मैंने सी एफ लिखा है, वैसे तो उसको आप कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आपकी पहली फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है ना, उसको वैसे लिखा जाता है, हमेशा से ऐसे निकालना है सी एफ। जब भी आपने निकाला तो उसको निकालने का तरीका यही होगा कि पहली वैल्यू उसको वैसे ही लिखेंगे, फिर पहली वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू के अंदर तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर तीसरी वैल्यू के अंदर फोर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर इसमें पाँचवीं वाली भी ऐड हो जाएगी, पाँचवीं वाली में जो है दसवीं ऐड, ये दस वाला ऐड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 95, फिर 95 में आपने पाँच ऐड किया तो क्या आ जाएगा 100। अब आप और से देखें, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है वो भी 100 है, और मेरी जो लास्ट अमाउंट भी आ रही है वो भी 100 है। इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट इसकी मैंने कैलकुलेशन की है, ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से देखकर आखिरी तक जरूर देखा करें, क्योंकि बीच में हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, बच्चे शुरू से देखे बाद हमें आता है, ऐसे नहीं होता, पूरी वीडियोज़ देखा करें, ठीक है। अच्छा, सी एफ भी मेरे पास निकल गया। अब आपको बताते हैं कि फार्मूले में हमने कैसे अप्लाई करना है, ये देखें ताकि आपको समझ आ जाए। इस फार्मूले को मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। अच्छा, पहले देखें कि n ओवर 2 क्या होता था, मैंने आपको बताया कि जो आपका n ओवर 2 है वो बराबर है समेशन f के, समेशन f आपके पास क्या है 100 आया, इसका मतलब है 100 को मैंने डिवाइड करना है 2 पे, क्योंकि ये टोटल इसके इसके बराबर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50, ठीक है। अब जो ये 50 आपका आया है, ठीक है, ये जो 50 आया आप देखें कैसे करना है, आपको जो 50 से करेगा आपने जाना है सी एफ पे, ठीक है। सी एफ पे आके आपने देखना है कि 50 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पूरी लाइन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। यानी 50 इसके अंदर आ रहा है। अब सी कैसे निकालेंगे, जिसके अंदर आपने क्या करना है, n ओवर 2 कैसे निकालना है, क्योंकि वो f के बराबर होता है, उसको 2 पे डिवाइड करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको आपने सी एफ में ढूंढना है, और जहाँ के अंदर भी आता है उस पूरी लाइन को आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। उसका जो ऊपर वाला होगा वो हमेशा सी होगा, जिसके अंदर है वो सी नहीं होगा, जो उसके ऊपर वाला होगा वो हमेशा सी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी मेरे पास क्या है, वो 45 है। ऊपर आपने आसानी के लिए ना पेंसिल से आप लिख लेना ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। और इसी के सामने आपका ये लोअर क्लास बाउंड्रीज भी है। आप एक दफ़ा समझ लें कि एन ओवर टू कैसे निकलेगा, क्योंकि एन ओवर टू आपके किसके बराबर है, समेशन एफ के बराबर है, आपने इसे 2 पे डिवाइड करना है, उसका जो आंसर निकलेगा उसको आपने सी पे ढूंढना है, जिस सी के अंदर वो आएगा उसको आप पूरी अंडरलाइन कर लें, क्योंकि जिसके अंदर वो आ रहा उसके सामने वाला आपका एल होगा, ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा, सी होगा हमेशा। अब मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होगी, क्या होगी, 50 होगी, ठीक है। अब इंटरवल कैसे पता चलेगा, इनके दरमियान कितने का इंटरवल आ रहा, 5 का आ रहा पता चल रहा है, ईजी आप कैलकुलेट से कर लें। और फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी, यही जिसके अंदर सारा कुछ आ रहा है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये एन ओवर टू आपके पास क्या था, 50 आया था, सी आपके पास क्या आया था, 45 आया था। बहुत ईजी है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। 50 में से आपने 45 निकाला तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, जय जी। सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 25 और 29 प्लस 50, ठीक। 25 को डिवाइड किया 29 पे तो आपके पास आ गया 0.86, और इसमें आपने 50 के किए ऐड कर दिया तो आंसर आपके पास आ गया 50.86। यह ना बस सिंपल सा, ये आपका मीडियन का सवाल था, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें जितने भी मीडियम के क्वेश्चन है ना, वो तकरीबन इस टाइप से आपने करना है, बल्कि हम आपको साथ साथ बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
अच्छा देखिए ये सवाल उसने दिया हुआ है मीडियन वाला, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये भी सेम है, ये देखें ये भी सिंपल है, मीन निकालना और मीडियन निकालना ये तो भी आपको आता है, मीडियन और मोड निकालना ये भी सेम है। यानी स्टैट को तैयार करने का तरीका ये है कि एक दफ़ा उसका आप सवाल पकड़ लेना और उसमें से सारी चीज़ें निकाल लें तो आपके तैयार हो जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने होने चाहिए, सवाल जहाँ मर्जी से आए, ये भी वैसे ही आपका और ये भी आपका वैसे ही है, इसमें मीडियन आपने मोड निकालना है और ये भी देखें सवाल, इसमें से आपने मीडियन और मोड निकालना है। और मैंने इतना करवा दिया कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चंस टाइप के 3.40 में इसमें से भी मीन एंड मीडियन निकालना है, 3.41 है इसमें से मीन मीडियन और मोड निकालना है, ये सबसे अच्छा है प्रैक्टिस के लिए कि एक ही सवाल में सारी चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सवाल जो रह जाएंगे वो आपको भी कल क्लियरिफाई करवा दिया जाएगा, बाकी चैप्टर आपका जो है वाइंड अप होने वाला है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। बस थोड़ा सा आपका है दो चैप्टर करने और एक इंडेक्स नंबर और एक आपका जो है ना वो क्या कहते हैं ग्राफ वाला, उससे पेपर आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी अपडेट आपको मिल सके, और वीडियो को शुरू से लेकर आप तक ज़रूर देखा करें ताकि बीच में अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं तो आपको पता चल जाए, इस तरह तो आप सब कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। तो इम्तिहान की तैयारियों में लगे रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।